रोजी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप सुनिए। बिल्कुल बढ़िया। मैं आपसे एक पहेली पूछूंगा, आपको उसका आंसर देना है। अरे सर पूछिए, चलो क्योंकि आज इतवार भी है और संडे इस फंडे में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आपकी बार प्रदीप जी कुछ पहेली लेकर आए हैं। हाँ, पहेली से पूछते हैं, देखते हैं भगवान जी कैसे बताते हैं। और मैं उसको गा के बताऊंगा आपने उसी वे में आपको। अरे अरे, मेरा पसंदीदा टॉपिक है, आपने बहुत अच्छा टॉपिक सुना है, तो लीजिए मैथ और देख लीजिए थोड़ा सा मैथ और हो जाएगा। हाँ देखते हैं जी। क्या पतला क्या मोटा, क्या लंबा क्या छोटा, क्या पतला क्या मोटा, क्या लंबा क्या छोटा। अच्छा, क्या पतला क्या मोटा, क्या लंबा क्या छोटा। यस, देखिए प्रदीप जी, बोरड से कमरा, लंबा पेंसिल से मोटा खंबा। वाह, एक बार बोरड से कमरा, लंबा पेंसिल से मोटा खंबा। जी, गिलहरी पतली हाथी से। वाह, गिलहरी पतली हाथी से, घड़े से छोटा लोटा, क्या लंबा क्या छोटा, क्या पतला क्या मोटा। कैसी लगी? बहुत अच्छे। हाँ तो साथियों, ये एक कविता के माध्यम से हमें लंबा छोटा पतला मोटा का ज्ञान करना है, और ये एक छोटी सी कविता के माध्यम से और एक पहेली के माध्यम से हमने आपके सामने इसको दर्शाया है। आप इस पहेली को और विस्तार दे सकते हैं और अपने हिसाब से जो बच्चों को जिन चीजों का ज्ञान है उन चीजों को लेके लंबा पतला छोटा और मोटे का ज्ञान आसानी से करवा सकते हैं। इस प्रकार की पहेलियां आप भी बनाएं और बच्चों को उनके साथ खेल खेल में उनको क्या मोटा है क्या पतला है वस्तुओं का, आपके घर में जैसे कोई भी वस्तु है आप उनके नाम ले सकते हैं और उनके भी बता सकते हैं कि क्या चीज इसमें छोटी है, क्या बड़ी है, क्या पतली है और क्या मोटी है। क्योंकि मैथ का ये बेसिक कंसेप्ट है, बच्चों को हम काउंटिंग करवाने से पहले उन्हें लंबाई का चौड़ाई का इस प्रकार का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को देखें और बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि आज है संडे इज फंडे।